हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ओट्स इडली। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। इसे आप नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं ओट्स इडली। सबसे पहले हम पैन में ओट्स को भून कर तैयार करेंगे। एक कप ओट्स है, इसे हम धीमी आंच पर एक से दो मिनट तक भूनेंगे ओट्स का हल्का कलर चेंज होने तक। देखिए, हमने इसे लगातार चलाते हुए दो मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं ओट्स का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और ओट्स को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद पीसेंगे। सेम पैन में हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, एक चौथाई चम्मच राई डालेंगे। राई चटकने लगी है, एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। एक बड़ा चम्मच उड़द की दाल, चार से पांच काजू है जिसे हमने काट लिया है, छह से सात करी पत्ता कटा हुआ। मिक्स करेंगे और दाल का हल्का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। देखिए, लगातार चलाते हुए हमने दाल का हल्का कलर चेंज होने तक पका लिया है। अब इसमें हम एक छोटा प्याज डालेंगे। मिक्स करेंगे और प्याज का हल्का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। प्याज को हमने लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक पका लिया है। बस इतना ही पकाना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम आधा कप सूजी डालेंगे। सूजी को मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर एक से दो मिनट तक भूनेंगे सूजी का कच्चा टेस्ट निकलने तक। लगातार चलाते हुए हमने सूजी को दो मिनट तक भून लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और सूजी को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। ओट्स पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे हम पीस लेंगे। ओट्स को हमने पीस लिया है, अब इसे हम बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम सूजी वाला मिश्रण मिलाएंगे। मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम एक ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे, एक छोटी शिमला मिर्च कटी हुई, दो बड़ा चम्मच स्वीट कॉर्न। आप इसमें अपने पसंद की सब्जी मिला सकते हैं। आधा कप ताजी दही, नमक स्वाद के अनुसार। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कप से आधा कप पानी डालेंगे। और मिक्स करेंगे। आधा कप पानी हम और डालेंगे। टोटल हमने इसमें एक कप पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए, इसी तरह का मिश्रण होना चाहिए। अब हम मिश्रण को 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। पूरे 10 मिनट हो गए हैं, सूजी अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। इसके जगह आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा नींबू का रस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम तुरंत स्टीम करने के लिए रखेंगे। अब हम इडली वाला सांचा लेंगे। सांचे को हम तेल से ग्रीस करेंगे। अच्छे से ग्रीस करना है।
देखिए ट्रे को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब इसमें हम मिश्रण रखेंगे। इस तरह से हम 2 चम्मच मिश्रण को रखेंगे। अब हम इसे स्टीम करेंगे। इडली के बर्तन में हमने 2 कप पानी को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम इडली वाला स्टैंड रखेंगे। मीडियम आंच पर ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। पूरे 10 मिनट तक हमने इडली को स्टीम कर लिया है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से स्टीम हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टैंड को बाहर निकालेंगे। ठंडा होने के बाद हम इडली को स्टैंड से निकालेंगे और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए इडली को भी बना लेंगे। देखिए पूरी तरह से इडली ठंडी हो गई है, अब इसे हम ट्रे से निकालेंगे। इस तरह से हम निकालेंगे, देखिए कितने आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और कितना अच्छा बना है। इसी तरह से हम सारे इडली को निकालेंगे। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म ओट्स इडली बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। इसे आप नारियल की चटनी या अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।